हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल सेकेंड ईयर फॉर सिविल्स। आज का जो टॉपिक है वो है जो अभी करंट में एक इशू चल रहा है कि क्या हमारा सोशल मीडिया जो है क्या उस पर बैन लग सकता है। जो सोशल मीडिया में जो हमारे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, ये इंस्टाग्राम है, ठीक है, ट्विटर है और फेसबुक है, और भी ऐसे कई सारे जो सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं क्या उस पर बैन लग सकता है, और ऐसा इशूज़ जो है वो हमारे अभी ऐसा क्यों आ गया है। तो बिकॉज ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो है गवर्नमेंट ने जो फरवरी में 2021 में जो इशू किया था, तो उसके वजह से ऐसे कई सारे एप्रिहेंशंस है कि ये जो सोशल मीडियाज़ हैं इन पे बैन लग सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि क्या सब इशूज़ हैं और उसमें क्या करेंट डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इशू स्टार्ट होता है हमारा इस 2021 के फरवरी में, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया न्यू रूल्स, ठीक है, फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ एंड OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। OTT मतलब कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो इस पर होस्ट करते हैं कई सारे वीडियोस, कई सारे कंटेंट्स को, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, हॉटस्टार है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स को OTT प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है। तो फरवरी में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया न्यू रूल्स फॉर सोशल मीडिया रेगुलेशन और डिजिटल न्यूज़ को और OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें देखते हैं कि क्या सब नए रूल्स में उन्होंने क्या सब नया प्रोविजंस ऐड किया है उसने, ठीक है। तो सोशल मीडिया कंपनीज सच एज ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड OTT प्लेयर्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, G5 एमंग अदर्स विल सून हैव टू बी एडहेयर टू हायर अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। दिस इज द की स्टेटमेंट हेयर, हायर अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप उसके प्रति आप उत्तरदायित्व आपका है कि नहीं किसी चीज़ के प्रति। अगर आप एक सोशल मीडिया प्रोफाइल अगर आप कुछ बनाते हो और आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ डेटा, कुछ उस पर कोई फोटो हो गया या फिर कोई भी कंटेंट शेयर हो रहा है, तो क्या आपका अकाउंटेबिलिटी बनता है कि नहीं, कि वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने एक नया रूल्स को नोटिफाई किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारा गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसने ये नोटिफाई किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो इसका जो फुल नेम है, जो ऑफिशियल नेम है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। और ये जो रूल बनाया गया है, जो किसके प्रोविजंस के अंदर बनाया गया है, तो वो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, जो हमारा जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया गया था, जिसमें कई सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। तो उसी में से उसी एक्ट के बेसिस पे ये रूल को बनाया गया है, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर रूल इट विल सुपरसीड 2011 गाइडलाइंस फॉर इंटरनेट इंटरमीडियरीज। इंटरनेट इंटरमीडियरीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसे जो भी कई सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, जो भी इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं और यूज़र्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने चीज़ों को शेयर करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे जो भी कंपनीज़ है उनको इंटरनेट इंटरमीडियरीज़ बोला जाता है। तो इनको ओवरऑल एक गाइड करने के लिए, उनके ओवरऑल एक ओवरसाइट रखने के लिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया गया था, ठीक है। तो उसी बेसिस पे अभी नए गाइडलाइंस जो है वो फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू हुआ है। तो देखते हैं कि इस गाइडलाइंस में क्या सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो सोशल मीडिया को कैसे उसको हैंडल करने का उसने नई सारे प्रोविजंस ऐड किए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स देख सकते हो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है और भी ऐसे कई सारे, इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या सब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस गाइडलाइंस में। तो सबसे पहला है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि फॉर रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द यूजर्स और विक्टिम्स, इंटरमीडियरी शैल अपॉइंट ए ग्रीवांस ऑफिसर टू डील विद सच कंप्लेंट्स एंड शेयर द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सच ऑफिसर। ग्रीवांस ऑफिसर शैल एक्नॉलेज द कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स एंड रिजॉल्व इट विद इन 15 डेज फ्रॉम इट्स रिसीट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो और आपको उस पर कुछ इश्यूज़ नज़र आती हैं कि कुछ गलत हो रहा है या फिर उस पर कुछ गलत कंटेंट शेयर हो रहा है, तो आप उसको कहाँ पे कंप्लेन करोगे? तो हर एक जो भी इंटरमीडियरीज है उनके पास एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना है और उनके पास जब आप कंप्लेन करोगे तो 24 आवर्स के अंदर वो एक्नॉलेज करेंगे कि ठीक है, आपका कंप्लेंट हम लोगों ने अपने पास फाइल किया है और जो भी इश्यूज़ है उसको विद इन 15 डेज उनको रिजॉल्व करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है ये जो नए गाइडलाइंस है,
कि देयर सेल्फ ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अभी क्या होता है कि आपको फेसबुक पे कई सारे पोस्ट्स जो होते हैं जो आपको लगता है कि ये यहाँ पे नहीं होने चाहिए, वो गलत पोस्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ न्यूडिटी शेयर हो गया, या फिर कुछ वायलेंस शेयर हो गया, या फिर फेक न्यूज़ शेयर हो गया, या फिर किसी का फेक प्रोफाइल शेयर हो गया, तो आप किसके पास जाओगे? तो देयर सेल भी ये ग्रीवांस ऑफिसर, ठीक है, उसको आप बताओगे कि ऐसा ऐसा इशूज़ है और आप उसको हैंडल कीजिए, तो वो 24 आवर्स में आपको बता देगा कि ठीक है मैंने आपका कंप्लेंट रजिस्टर किया है, और विद इन 15 डेज उसके ऊपर उसने क्या एक्शन लिया और क्या उसको रिजॉल्व कैसे किया वो आपको बताएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्ट्रेंथन करेगा एंड कंज्यूमर्स को, जैसे कि हम लोग हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स, तो वो हमें एम्पावर करेगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स स्पेशली वीमेन यूजर्स, ठीक है। तो जो इंटरमीडियरीज होते हैं दे शैल रिमूव और डिसेबल एसेस विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ कंटेंट्स दैट एक्सपोजेस द प्राइवेट एरियाज ऑफ इंडिविजुअल्स, सो सच इंडिविजुअल्स इन फुल और पार्शियल न्यूडिटी और इन सेक्सुअल एक्ट और इज इन द नेचर ऑफ इंपर्सनेशन इंक्लूडिंग मॉक्ड इमेजेस एटसेट्रा, सच ए कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड आइदर बाय द इंडिविजुअल और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज हर बिहाफ, ठीक है। तो आज के समय में आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह का जो फेक प्रोफाइल बना देते हैं लोग, किसी का प्रोफाइल को चेंज करके, पिक्चर को मॉर्फ करके, एडिट करके, जैसे कि किसी से रिवेंज लेना है किसी वीमेन से, तो उसका एक पॉर्न स्टार के साथ कुछ उसका मैच करके फोटो अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह के जो क्राइम्स हैं, तो ऐसे जो जो भी इमेजेस हैं, ऐसे जो भी वीडियोस सोशल मीडियाज पे आएंगे, तो उनको हटाना है, उनको 24 आवर्स के अंदर ऐसे कंटेंट्स को अपने प्रोफाइल पे से हटा देना है, ताकि जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर फेक चीज़ें ना रहे, ठीक है। या फिर किसी के किसी जो इंडिविजुअल है उसके प्राइवेट चीज़ों को आप उस पर नहीं दिखा सकते हो, या फिर कोई न्यूडिटी अगर है, ठीक है, तो उसको आप उस पर नहीं दिखा सकते हो, कोई सेक्सुअल, कोई जैसे कि पॉर्न वीडियोज़ है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऐसे चीज़ों को आप अपने सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म पे एसेस नहीं दे सकते हो। और अगर किसी ने ऐसा पाया और कंप्लेंट किया, तो विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसे हटाना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वीमेन सेफ्टी और बाकी चीज़ों को हैंडल करता है ये सेक्शन जो है, ठीक है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो इन्होंने डिवाइड किया है कि टू कैटेगरीज ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, यानी कि हमारा जो सोशल मीडिया इकोसिस्टम है उसमें कई सारे कंपनीज हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हालांकि ये सब एक कॉमन ऑनरशिप हो गया है, इंस्टाग्राम कॉमन ऑनरशिप है, बट दे आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल के अपने जो टेक्स्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाया गया है कि एक सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होगा, ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होगा। तो ये दो क्लासिफिकेशन है जो सोशल मीडिया जो भी कंपनीज है उनके बीच में दो क्लासिफिकेशन किया गया, फर्स्ट इज सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सेकेंड इज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। इनके बीच में कुछ ज़्यादा डिस्टिंक्शन, बस इसका एक फ़र्क है कि यूज़र बेस कितना ज़्यादा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, जैसे कि व्हाट्सएप के कितने यूज़र्स हैं, जो कि 50 करोड़ यानी कि 500 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के इंडिया में। तो इसी बेसिस पर डिस्टिंग्विश करेगा गवर्नमेंट कि किसके कितने यूज़र्स हैं। अगर एक सेट लिमिट के नीचे उसके यूज़र्स हैं तो वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कहलाएगा, अगर उतने से ज़्यादा यूज़र्स हैं उसके तो वो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कहलाएगा, ठीक है। तो जो सोशल मीडिया क्लासिफिकेशन करने के पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जिनका ज़्यादा यूज़र बेस है, जिस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा यूज़र्स आते हैं उनको एक्स्ट्रा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखते हैं स्लाइड में कि और भी एक्स्ट्रा रूल्स क्या होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो है दैट दिस इज रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है तो क्या होगा कि गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई भी जुडिशरी कोर्ट है उनके तरफ से एक नोटिस जाएगा कि इसे आप अपने प्लेटफॉर्म पे से हटा दीजिए, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड, ऐसे इन्फॉर्मेशन को आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो एन इंटरमीडियरी अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर बाई ए कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू और इट्स एजेंसीज, गवर्नमेंट के कई सारे एजेंसीज होते हैं,
थ्रू ऑथराइज्ड ऑफिसर शुड नॉट होस्ट और पब्लिश एनी इन्फॉर्मेशन विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज. तो ये सारे जो डोमेन है, जैसे कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर आप उसे अनऑथराइज्ड वे में अगर आपके प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया जाता है तो आपको उसे हटाना पड़ेगा, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया या फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया. तो ये रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. द रूल्स विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द गैजेट एक्सेप्ट फॉर द एडिशनल ड्यू डिलीजेंस फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विच शैल कम इन इफेक्ट 3 months आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स. तो अभी जो 25 मई को जो वो डेट एक्सपायर किया, इसके पीछे रीज़न ये था कि 25 फेब को ये रूल्स को नोटिफाई किया गया था, ठीक है. तो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स बनाए गए. तो वो 3 महीने का गैप दिया गया कि इस महीने में, इन 3 महीनों में आप उन सारे चीज़ों को कंप्लाई कर लीजिए, और अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग ले सकते हैं. तो इसी के वजह से एक एप्रिहेंशन, मिस एप्रिहेंशन क्रिएट हुआ कि चूंकि 3 महीना बीत चुका है और इन सारे जो मेजर जो सोशल मीडिया, जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, लाइक फेसबुक, लाइक व्हाट्सएप, लाइक ट्विटर, ठीक है, जो लाइक इंस्टाग्राम, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को अभी तक अपने उस कंप्लाई नहीं किया है. तो ऐसा माना जा रहा था कि क्या गवर्नमेंट इन सब सारे चीज़ों को, जो भी सोशल मीडिया जो है, इनको क्या बैन कर दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने कंप्लाई नहीं किया है. ऐसा इन्होंने एक्ट में लिख दिया था, ठीक है, जो नए रूल्स है उसमें लिख दिया था कि सेल कम इन इफेक्ट 3 months, अगर 3 महीने के अंदर आप उसे अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके ऊपर बैन लगा सकते हैं, या फिर मेरा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आदेश होगा वो आपको मानना पड़ेगा. तो इसी के बेसिस पे लोग बोल रहे थे कि क्या बैन लग सकता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इन सब सारे चीज़ों पे. देखते हैं कि एडिशनल क्या ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्या होते हैं. एक्चुअली में इसका थ्रेशोल्ड रखा गया है, दैट इज 50 लाख, 5 मिलियन यूजर्स. तो हु आर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज? सोशल मीडिया कंपनीज विथ मोर देन 50 लाख, 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स विल बी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज. तो इनके लिए एडिशनल लॉज, एडिशनल रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है. तो जैसा कि आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ने फिगर बताया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उसने बताया कि व्हाट्सएप के 53 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इंडिया में, यूट्यूब के 44.8, यानी कि ऑलमोस्ट 45 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़, ट्विटर के 1.75 करोड़, यानी कि ये सब कंपनीज़ के ये जो थ्रेशोल्ड है इससे कई गुना ज़्यादा इनके पास यूज़र्स हैं. एक्चुअली 50 करोड़ कितना होता था, 500 मिलियन, ठीक है, और यहाँ पे 5 मिलियन का थ्रेशोल्ड दिया गया, यानी कि 5 मिलियन से ज़्यादा अगर आपके पास यूज़र है देन यू विल बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और आपको कुछ एक्स्ट्रा रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो उसी के ऊपर जो अभी मेन डिस्प्यूट हो रहा था कि 3 महीने का गैप जो है वो तो ओवर हो गया, लेकिन इन्होंने उन सब सारे चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया है. तो ये है एक्चुअल में कि जो एडिशनल रूल्स जो फॉलो करना है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्योंकि इनके 5 जो मिलियंस हैं उनसे ज़्यादा यूजर्स हैं इनके पास. तो सबसे पहला है कि दे शुड अपॉइंट ए चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर. एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर होने चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कॉम्प्लायंस विद द एक्ट एंड रूल्स. जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे, जो भी एक्ट्स बनाएंगे, तो उनको कैसे कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए वो उन सारे कंपनीज के पास एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर होना चाहिए. और वो ऑफिसर जो है, ही शुड बी ए रेजिडेंट इन इंडिया. वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि फेसबुक है तो उसे अमेरिका में एक किसी आदमी को बना दिए चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, ऐसा नहीं, उसे इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है. तो पहला ये है, ठीक है. दूसरा है कि अपॉइंट ए नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन विथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड सच ए पर्सन शैल बी ए रेजिडेंट इन इंडिया. तो एक और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी कि आप व्हाट्सएप अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो ऐसे नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को आप नॉमिनेट करोगे जो कि 24/7 अवेलेबल रहेगा. जो भी हमारे कंट्रीज में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं जिनका काम है कि लॉ को इन्फोर्स करवाना, जैसे कि पुलिस हो गया, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस के जो भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, तो उनसे वो कोऑर्डिनेट कर सके 24/7, ठीक है. तो एक ऐसे आदमी को आपको नॉमिनेट करना है, अपॉइंट करना है, एंड ही शैल ऑल्सो बी ए रेजिडेंट इन इंडिया, और वो भी इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए.
ऐसा नहीं कि बाहर किसी कंट्री में नॉमिनेट कर दिया और बोल दिया कि हमने तो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन बना दिया, ऐसा नहीं है, उसको भी इंडिया में होना चाहिए। थर्ड है कि अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर। अभी मैंने बताया कि ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट करना है, तो वो वही है कि हु शैल परफॉर्म द फंक्शंस मेंशन अंडर द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सच ए पर्सन शैल बी ए रेजिडेंट इन इंडिया। और ये पर्सन भी इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिश ए मंथली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट। हर एक महीने आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देना है गवर्नमेंट को कि आपके पास कितने कंप्लेंस आए, आपने उस कंप्लेंस पे क्या एक्शन लिया। तो हर मंथ में आपको एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करना है ऐसे जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऐसे को देना है हर एक महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट देना है, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे क्रिटिकल, जो सबसे डिस्प्यूटेबल, जो जिस पे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, दिस इज़ द मोस्ट डिस्प्यूटेबल पॉइंट, ठीक है। जिसमें ऐसा इनको गाइडलाइंस दिया गया है कि जो भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्राइमली इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग, जो मैसेज का सपोर्ट देते हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर आप मैसेजिंग कर सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो, फोटोज़, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हो, तो इनको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सपोज मैंने व्हाट्सएप पे कुछ शेयर किया और वो लोग उसे फॉरवर्ड करते चले गए, लेकिन उसमें कुछ गलत कॉन्टेंट था, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि किसने सबसे पहले इस चीज़ को व्हाट्सएप पे डाला। दैट इज़ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर मैंने डाला तो मेरा डिटेल्स जो है व्हाट्सएप को शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, और इसी पे व्हाट्सएप का सबसे बड़ा जो व्हाट्सएप बोल रहा है कि इससे राइट टू प्राइवेसी चला जाएगा, और इसी के अगेंस्ट वो दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप चला गया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि कई सारे इशूज़ हैं, फेक न्यूज़ हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस फेक न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे बहुत चलते हैं, फेक न्यूज़, ठीक है, न्यूज़। सेकंड है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ठीक है, ये एक है कि इंडिया के अगेंस्ट जैसे टेररिस्ट्स जो होते हैं वो भी कई सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट का मेन एम है कि ऐसे लोगों को टैकल करना कि कौन है जो फेक न्यूज़ फैला रहा है, कौन है जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट भेज रहा है, कौन है जो टेरर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहा है, कौन है जो इंडिया के सिक्योरिटी के अगेंस्ट चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने चीज़ों पे। तो ऐसे लोगों का डिटेल हमें चाहिए ताकि उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सके, एक हम पहले से एक तैयारी कर सके कि ये आदमी कुछ गलत ना कर, फ्यूचर में कुछ गलत ना करे। तो ऐसे चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक्चुअली में ये प्रोविज़न लाया गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड टू। अगर कुछ ऐसा कॉन्टेंट है जो किस चीज़ से रिलेटेड है, जो कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन कर सकता है, जो कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को थ्रेटन कर सकता है, या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स उसको थ्रेटन कर सकता है, या फिर पब्लिक ऑर्डर और ऑफ इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस रिलेटिंग टू द अबव और इन रिलेशन विथ रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर्स। यानी कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मैंसन कर दिया है कि हम आपसे हर एक आदमी का नहीं मांगेंगे कि बताओ उसने क्या शेयर किया, लेकिन हमें ऐसे आदमी का डिटेल्स जरूर चाहिए जो कि इन सब सारी चीज़ों को शेयर करता हो, जैसे कि कुछ ऐसे कॉन्टेंट्स जो इंडिया के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, या फिर इंडिया का किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब कर दे, या फिर जो रेप थ्रेट्स हैं, या फिर कुछ टेरर एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। तो इन सब सारे चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप मुझे बताओ कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने पहला इस पे ये चीज़ आपके प्लेटफॉर्म पे उस मैसेज को डाला। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी सेल हैव ए फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस इन इंडिया पब्लिश्ड ऑन इट्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप और बोथ। यानी कि एक फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए, जैसे कि ऐसा नहीं कि फेसबुक अपना सारा ऑफिस यहाँ से इंडिया से निकाल के बाहर चला जाए, ठीक है, नहीं, आपका एक ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस, जहाँ पे हम अगर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो तो हम वहाँ पे, हमारी जो टीम है वो वहाँ पे जा सके, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म।
ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि फेसबुक पे वो ब्लू टिक और इंस्टाग्राम पे भी कई सारे टिक वाले ऑप्शन आते हैं, तो इसमें अगर मान लो हमें अपने अकाउंट खुद ही वेरीफाई करना है वॉलंटरली, तो वो मुझे एक ऑप्शन मिलना चाहिए। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि मेन इशू था इसके पहले वाला, कि जिसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बताना कि किसने शेयर किया डिटेल और उन सब सारी चीज़ों को। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यूज़र्स को काफ़ी बेनिफिट करेगा, कि गिविंग यूज़र्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि आपको बिना बताए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट, जैसे कि ट्विटर, कई बार आप देखते हो कि किसी एक आदमी का, किसी भी व्यक्ति का प्रोफाइल जो है सो बंद कर दिया, ठीक है, और वो बोलता है कि हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट था इसलिए हमने बंद कर दिया। लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, आप ऐसा मनमानी नहीं कर सकते हो, आपको अपने यूज़र्स को बताना पड़ेगा कि आपने ये एक्शन किस बेसिस पे लिया, और अगर उस आदमी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सुनवाई करने के लिए। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक यूज़र्स को जो है ये एम्पावर कर रहा है, कि इन केसेस वेयर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज रिमूव्स और डिसेबल्स एसेस टू एनी इन्फॉर्मेशन ऑन देयर ओन अकॉर्ड, देन ए प्रायर इंटीमेशन फॉर द सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू द यूजर हु हैज शेयर्ड दैट इन्फॉर्मेशन विद ए नोटिस एक्सप्लेनिंग द ग्राउंड्स एंड रीजंस फॉर सच एन एक्शन, एंड यूजर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एन एडिक्वेट एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्यूट द एक्शन टेकन बाय द इंटरमीडियरी। यानी कि अगर कल को अगर आपका फेसबुक अकाउंट अपने मन से बंद हो जाए, फेसबुक जो है वो आपका अकाउंट बंद कर दे या फिर व्हाट्सएप आपको अकाउंट बंद कर दे, तो ऐसा नहीं कि आप फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उसे पूछो कि भाई किस बेसिस पे आपने मेरा अकाउंट बंद कर दिया, मेरा क्या गलती था, आपका ऐसा क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ कि आपने मेरे अकाउंट को डिसेबल कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारे एंड यूज़र्स को बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये जो भी गाइडलाइंस है ये इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जो ब्रॉडकास्टिंग है, आईबी जो है, इन्फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कुछ मॉनिटर करते हैं कुछ कोड ऑफ एथिक्स को, जिसे हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, इसके साथ साथ एक डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड भी बनाया गया है जिसमें डिजिटल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को कुछ कोड, एथिक्स कोड, इथिकल कोड्स, यानी कि फेयर होना चाहिए, उस पर कुछ गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक एथिक्स कोड बनाया गया है। और इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके पहले वाले जो रूल्स थे उसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो आपको देखेगा, जो MEITY जिसको बोलते हैं मेती, और ये जो है जो एथिक्स है इसे देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो दो मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है मेनली। ठीक है, तो इसमें क्या है ये डिजिटल मीडिया एथिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला है कि सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म है, नॉर्मली आप कभी मूवी देखते होगे TV पे या फिर सिनेमा हॉल में या थिएटर में या फिर कहीं भी मूवीज़ में, तो उसमें एक सर्टिफिकेशन आपको दिखता होगा सेंसर बोर्ड की तरफ से, जो कि ऐसा कुछ लिखा रहता है यू या फिर UA ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो यू मतलब होता है यूनिवर्सल, फिर ए वर्ड आना मतलब कि एडल्ट की तरफ कंटेंट मूव करना। तो ये जो है आपको जो भी आपके OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट आ रहे हैं उसमें पहले ही आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये कंटेंट कैसा है, किस बेसिस पे है। अगर ये यूनिवर्सल है डैट मीन्स कि इसको कोई भी देख सकता है बिना किसी आपत्ति के। तो इसमें टोटल 5 एज बेस्ड कैटेगरीज आपको बनाया गया है, और वो आपको हर एक कंटेंट में बताना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी का कंटेंट है। जैसे कि यूनिवर्सल, जैसे कि आप यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस देखते होंगे, उस पर लिखा रहता होगा कि क्या ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए बना गया है या फिर क्या ये वीडियोस बच्चों के लिए नहीं बना गया है। तो ऐसे करके इसने स्पेसिफाई किया कि 5 ऐसे कैटेगरीज इन्होंने बताया कि इस कैटेगरीज में आपको अपने कॉन्टेंट्स को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि यूनिवर्सल, ठीक है, सेकेंड है कि यूनिवर्सल और एडल्ट जो कि 7 साल से ऊपर का देख सकता है, यूनिवर्सल एडल्ट जो कि 13 से ऊपर का देख सकता है, यूनिवर्सल एडल्ट जो कि 16 से ऊपर देख सकता है, और एक कंप्लीट एडल्ट। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट पैरेंटल लॉक्स फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज यूनिवर्सल एडल्ट 13+ और हायर। यानी कि अगर कोई भी कंटेंट जो कि 13+ वाले कैटेगरी में है
तो उसमें आपको एक पेरेंटल लॉक, यानी कि अगर पेरेंट्स चाहें तो उस कंटेंट को अपने बच्चों के पास ना पहुंचा पाए, ऐसा कुछ प्रोविजंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको एक सेल्फ क्लासिफिकेशन आपको पहले से, जैसे मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या कंटेंट देखने जा रहा हूँ, और उसमें अगर मुझे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें लगती हैं तो ये मुझे पहले पता होना चाहिए था कि मैं जो कंटेंट देखने जा रहा हूँ इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्या ये मेरे एज के लिए सुटेबल है या नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस ये रहा, ठीक है। दूसरा है पब्लिशर्स ऑफ न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया। अभी क्या है कि हमारा डिजिटल मीडिया में जब से इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ा है, जियो नेटवर्क्स आए हैं, इंटरनेट सस्ता हुआ है, तो कई सारे डिजिटल मीडिया हाउसेस जो हैं वो उभर के सामने आ गए हैं, ठीक है, प्रोलिफरेट कर गया है। तो उनको भी इसमें एक कोड ऑफ एथिक्स मेंटेन करने की बात की गई है, ठीक है। जो कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये हमारे जो भी जर्नलिज्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको ये मॉनिटर करता है। तो अब से जो भी डिजिटल मीडिया पे, जो भी न्यूज़ चैनल्स जो चलते हैं, उनको ये नॉर्म्स भी अब देखने पड़ेंगे जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बाकी जर्नलिस्ट के लिए लागू करवाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा ऑफलाइन, जैसे कि प्रिंट और टीवी पे जो मीडिया अपना जो न्यूज़ देखते हो या फिर न्यूज़पेपर्स जो आप पढ़ते हो, और इनके डिजिटल मीडिया के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना पड़ेगा, होना इसके इसके वजह से क्रिएट होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक ये है कि थ्री लेवल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है एस्टेब्लिश करने का है। थ्री लेवल यानी कि पहला है कि सेल्फ रेगुले, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आगे, कि सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर्स लेवल वन है, ठीक है। लेवल टू है सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स, एंड थर्ड इज ओवरसाइट मैकेनिज्म। तो इसको भी डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है, कि थ्री लेवल क्या है। तो पहला लेवल है सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, यानी कि आपका जो डिजिटल मीडिया है जिसपे न्यूज़ चैनल न्यूज़ कुछ आ रहा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, तो जो पब्लिशर जो है, ठीक है, वो एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी ग्रीवांसेस है। अगर मैंने कुछ कंटेंट देखा और मुझे लगा कि ये चीज़ गलत है, तो मैं उस ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को बताऊंगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो वो ऑफिसर जो है उसको 15 डेज के अंदर उसको उसका निवारण करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया, इसमें गवर्नमेंट कहीं इंटरफेयर नहीं करेगी, ये वो यूज़र के बीच में और वो उस कंपनी के बीच का बात हो गया, ठीक है, उस इंडिविजुअल के बीच का बात हो गया जिसे कंपनी ने अपॉइंट किया है एज ए ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, ठीक है। इसमें और भी गवर्नमेंट कोई भी इसमें इंडल्ज अभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी बात नहीं बनी, समझो, ठीक है, कि मैंने कुछ कंटेंट देखा आपके चैनल पे जो कि मुझे लगा कि सूटेबल नहीं है, तो मैंने आपको बताया, आपके जो ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर है उसने 15 दिन के अंदर जो भी एक्शन लिया वो मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, उसने मुझे लगा कि नहीं नहीं ये चीज़ें सही नहीं है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, जिसमें उस कंपनी के एक खुद उसी के कंपनी के खुद के एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाए जाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा मेंबर होंगे, ठीक है। देयर में बी ए वन और मोर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ पब्लिशर्स, सच ए बॉडी सेल बी हेडेड बाई ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट। तो ऐसा जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका जो चेयरमैन होगा एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है, या फिर हाई कोर्ट का जज हो सकता है, या फिर कोई भी एक इंडिपेंडेंट इमिनेंट पर्सन हो सकता है, और इसके 6 मेंबर से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं, ये जो बॉडी है, ठीक है। सच ए बॉडी विल हैव टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो वो जो कंपनी जो बॉडी बनाएगी इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। दिस बॉडी विल ओवरसी द एडेरेंस बाय द पब्लिशर टू द कोड ऑफ एथिक्स एंड एड्रेस ग्रीवांसेस डेट हैव नॉट बीन रिजॉल्व बाय द पब्लिशर विद इन 15 डेज। यानी कि इस फर्स्ट लेवल पे अगर आपका ग्रीवांस रिड्रेस नहीं होता है तो सेकेंड लेवल पे ये बॉडी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जिसमें कई सारे 6 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं और इसका जो हेड होगा वो या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, ठीक है, या फिर ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हो सकते हैं जिनको लॉज और इनके बारे में आइडियाज़ होता है, तो ऐसे लोगों को आप वो जो कंपनी है वो अपॉइंट करेगी उस बोर्ड पे, ठीक है। तो ये सेकेंड लेवल है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे भी ग्रीवांस रिड्रेस नहीं हो पाया, इस स्टेज पे भी नहीं हो पाया, तब एक ओवरसाइट मैकेनिज्म है और यहाँ पे अब मिनिस्ट्री अब जंप कर जाएगी, ठीक है, कि ऐसा क्या रीज़न है कि भाई जो ग्रीवांस है वो दो लेवल के बाद भी आपका क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो थर्ड इज द ओवरसाइट मैकेनिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेल फॉर्मुलेट एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म, इट सेल पब्लिश एक चार्टर फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज इंक्लूडिंग कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, इट सेल एस्टेब्लिश एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी फॉर हियरिंग ग्रीवांसेस।
इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, यानी कि अगर इन सब सारी चीज़ों पे इन दो लेयर के बाद भी आपका ग्रीवांस क्लियर नहीं हो पाता है, कुछ सीरियस इशूज़ होता है, तब ये मिनिस्ट्री एक्शन में आएगा और वो कुछ डिपार्टमेंट्स को मिला करके एक कमेटी बना देगा और बोलेगा कि बताओ देखो इसमें क्या इशूज़ हैं, और फाइनली आपके जो ग्रीवांसेस है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जिसका 5 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड बेसिस है उसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स बोला जाएगा, और ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे इसमें आ जाएंगे क्योंकि इनके बहुत सारे बहुत ज़्यादा इनका यूज़र बेस है। ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस हम लोग करते हैं कि जो एक क्लॉज होता था कि सेफ हार्बर जो होता था पहले, अब सेफ हार्बर नहीं मिलेगा। सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है कि सेक्शन 79 जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसमें सेक्शन 79 ये कहता था कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई गलत चीज़ शेयर हो गई हैं तो उसके लिए लायबिलिटी बनता है उस आदमी पे, उस इंडिविजुअल पे, उस यूज़र पे जिसने आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ गलत चीज़ों को शेयर किया। जैसे कि आपने फेसबुक पे गलत प्रोफाइल बना दिया किसी का, आपने फेसबुक पे किसी के बारे में किसी का न्यूड फोटो शेयर कर दिया, या फिर कुछ ऐसे गलत, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा कुछ सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कुछ चीज़ें पोस्ट कर दी, तो 79 सेक्शन ये बोलता था कि उसमें फेसबुक की गलती नहीं है, उसमें उस इंडिविजुअल की गलती है जिसने ऐसा काम किया। ठीक है, तो इसी को बोलते थे सेफ हार्बर, यानी कि आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, उस यूज़र का गलती माना जाएगा जिसने ये गलत काम हरकत किया आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के। ठीक है, तो ये होता था सेफ हार्बर कि सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट प्रोवाइड्स व्हाट इज कॉल्ड सेफ हार्बर टू इंटरमीडियरीज हु होस्ट यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड एग्जेम्प्ट्स, उनको एग्जेम्प्शन मिलता था फ्रॉम एनी लाइबिलिटी फॉर द एक्शंस ऑफ यूजर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर हम प्लेटफॉर्म पे कुछ भी मिसयूज, कुछ भी गलत चीज़ करते हैं तो उनको एग्जम्पन्स मिला हुआ था। उनको फेसबुक को या व्हाट्सएप को या ट्विटर को कोई नहीं पूछेगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे गलत सारी चीज़ें शेयर हो गई तो आप क्या कर रहे थे, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स डैट एज लॉन्ग एज ए प्लेटफॉर्म एक्ट्स जस्ट एज अ मैसेंजर कैरिंग ए मैसेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट इंटरफेयरिंग इन एनी मैनर, इट विल बी सेफ फ्रॉम एनी लीगल प्रोसिक्यूशन ब्रॉट अपॉन ड्यू टू द मैसेज बींग ट्रांसमिटेड। यानी कि आपके प्लेटफॉर्म से अगर कुछ मैसेजेस शेयर हुई या कुछ गलत चीज़ें शेयर हुई तो आपको नहीं घसीटा जाएगा। ठीक है, अंटिल अनलेस आपका उसमें हाथ हो। लेकिन अभी जो नए रूल्स जो आ गए 2021 फरवरी में जिसे नोटिफाई किया गया है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके ये जो लॉज जो है हमारे, जो हमने नए सारे रूल्स बनाए हैं, अगर उसे आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका जो सेफ हार्बर है वो स्टेटस चला जाएगा। ठीक है, सेफ हार्बर स्टेटस चला जाएगा। तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा कहना है कि हमारे रूल्स बनाए हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे और आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ गलत चीज़ें शेयर हो रही हैं तो उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होगी और आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगा। तो ये सबसे बड़ा एक जो फियर फैक्टर था, जो भी सोशल मीडिया, जो भी प्रोफाइल्स हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप, इनके मन में सबसे बड़ा डर इसी बात को लेकर के है कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ गलत सारी चीज़ें शेयर होती हैं तो सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, अब मुझे भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है मेरे ऊपर भी अब कार्रवाई कर सकती है। तो ये है सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है इनके लिए। तो इसीलिए अभी व्हाट्सएप ने क्या किया कि व्हाट्सएप के पास जब ये आईडी, मतलब फॉलो करने के लिए, गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए जब गया, तो व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट मूव किया इंडिया के न्यू आईटी रूल्स के अगेंस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया व्हाट्सएप के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। क्यों? व्हाट्सएप ने क्या बोला कि दीज रूल्स जो भी अभी इफेक्ट में आए हैं, दे आर ए डेंजरस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड पोज ए थ्रेट टू फ्री स्पीच। यानी कि व्हाट्सएप के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडिविजुअल का, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अब चला जाएगा। ठीक है, दूसरा इसने क्या बोला कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो कि फंडामेंटल राइट है, पुट्टा स्वामी केस सुप्रीम कोर्ट 2017 में बताया गया था, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो उसके ऊपर इन्वेजन टू प्राइवेसी, ऐसा व्हाट्सएप ने बोला। ठीक है, जैसे कि रूल 42 अभी मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनेटर जो है, फर्स्ट ओरिजिनेटर, उसको बताना है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस चीज़ों को पोस्ट किया। तो रूल 42 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज टू ट्रेस द ओरिजिनेटर ऑफ ए मैसेज और पोस्ट ऑन देयर प्लेटफॉर्म इफ रिक्वायर्ड बाई ए कोर्ट और ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 69A ऑफ द आई टी एक्ट।
यानी कि जो ट्रेस करना है ओरिजिनेटर का, किसने सबसे पहले आपके प्रोफाइल पे वो सारी चीज़ों को अपलोड किया, किसने था, ठीक है। तो व्हाट्सएप का क्या कहना है कि वाइल द रूल्स क्लेरिफाइड डेट सच एंड ऑर्डर मैन ओनली बी पास्ड फॉर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, सम कैटेगरीज अंडर विच अथॉरिटीज कैन सीक डेटा सच एज पब्लिक ऑर्डर कैन बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली पोजिंग ए थ्रेट टू फ्री स्पीच एंड राइट टू प्राइवेसी। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि उसमें इंडिया का सोवरेनिटी का इशू हो, ठीक है, सोवरेनिटी का इशू हो, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री का इशू हो, या फिर जो पॉन्ड से रिलेटेड चीज़ कंटेंट है, तो उसी में एक पॉइंट था पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर। तो ये जो है पब्लिक ऑर्डर, ये काफ़ी डिस्प्यूटेबल चीज़ है, क्योंकि आप पब्लिक ऑर्डर को कैसे डिफाइन करोगे। आप तो कुछ भी एक्शन को बोल दोगे कि ये पब्लिक ऑर्डर को ख़राब कर रहा है, तो इसके पीछे का बताओ किसने इस चीज़ों को ये किया, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसी के बेसिस पे व्हाट्सएप ने बोला कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पे आप कुछ भी, किसी का भी डिटेल आप हमसे मांग सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप इसी के ऊपर आर्गू कर रहा है कोर्ट में कि ये जो है राइट टू प्राइवेसी लोगों का ख़त्म कर देगा, और मेरा जो इंक्रिप्शन है, जैसे व्हाट्सएप का कहना है कि हमारा जो मैसेजिंग सिस्टम है वो इंक्रिप्शन पे काम करता है। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि जिसने अगर सपोज पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ मैसेज भेजा, तो ये बातें सिर्फ पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में रहेंगी, व्हाट्सएप को नहीं मतलब है कि उसने क्या मैसेज फॉरवर्ड किया क्या नहीं किया। लेकिन अगर आप पब्लिक ऑर्डर के नाम पे मांगोगे कि बताओ किसने क्या मैसेज शेयर किया, तो इसका मतलब कि मुझे हर एक यूज़र का जो भी मैसेजेस वो कर रहे हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, कॉल्स हैं, अब मुझे उसका एक डेटाबेस तैयार करके रखना पड़ेगा। डैट मीन्स कि अब वो इनक्रिप्शन नहीं रहा, अब व्हाट्सएप जो है वो एसेस कर रहे हैं हमारे मैसेजेस को, तो हमारा एज ए यूज़र हमारा प्राइवेसी कहाँ गया, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो ये मेरे और आपके बीच की बात है, इसमें तीसरे बंदे को क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑर्डर के नाम पे अगर किसी को भी बोल दिया कि ये बताओ इसने क्या शेयर किया है, तो व्हाट्सएप के पास मजबूरी है कि उसके सारे जितने भी यूज़र्स हैं सबके कॉन्टेंट्स को मॉनिटर करता रहे, तो फिर प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। और चूंकि आपके सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है इंडिया में, ठीक है, तो इसी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था जजमेंट में कि राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये केस प्रोग्रेस होगा, ठीक है, इसमें और भी कई सारे गवर्नमेंट की तरफ से लिटिगेशंस होंगे, तो एक जजमेंट इस पर आएगा, तभी पता चलेगा एक्चुअल में कि कौन सही है कौन कितना गलत है। तो ये काफ़ी बड़ा केस होने वाला है व्हाट्सएप का, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो न्यू आईटी रूल्स हैं उसके अगेंस्ट, तो इसके ऊपर एक काफ़ी एक डिबेटेबल टॉपिक है ये, और इस पर जो जजमेंट जो भी आएगा इसका काफ़ी वाइड इम्प्लीकेशंस होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, आप इसको डेली इस पर न्यूज़ में आप फॉलोअप करते रहो कि क्या इस पर और भी अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि क्यों ऐसा माहौल बन गया था कि लग रहा था कि व्हाट्सएप फेसबुक और ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, और इसमें क्या ऐसा रीज़न था, जो न्यू रूल्स बनाए गए थे उसमें क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुईंगी, और आप अपने डाउट्स जो भी हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। और इस चैनल पे बने रहो, इस पे और भी कई सारे ऑसम कॉन्टेंट्स मैं डालता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट अपने डाउट्स को, और शेयर एंड सब्सक्राइब टू उज्ज्वल अकेडमी फॉर सिविल्स, ठीक है। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, थैंक यू।